नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। कोतवाली क्षेत्र के नगीना कॉलोनी में युवती को घर में बंधक बनाकर लूट की घटना का पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया है। जी हां, इस लूटपाट की वारदात में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लूटी गई नकदी व जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने कोतवाली लालकुआ में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि नगीना कॉलोनी की नसीमा बानो पत्नी सिराज अली ने कोतवाली में तहरीर देते हुए लाखों की नकदी व जेवरात की लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि इस घटना को पीड़िता के दोनों बेटों ने ही अंजाम दिया है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने खुलासा करते हुए बताया कि वादी नसीमा बानो अपने पति के साथ अपनी लड़की रेशमा के लिए रिश्ता देखने बहेड़ी गए हुए थे। इस दौरान जब वे घर पहुंचे तो उन्हें घर में लूट होने की खबर मिली। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब घटना की जाँच की गयी तो जाँच में आया कि रेशमा का भाई मोहम्मद चांद और मोहम्मद राज पुत्रगण सिराज अली द्वारा अपनी बहन रेशमा के साथ मारपीट की थी तथा नशे के इंजेक्शन लगाकर अपनी बहन के साथ पांव बांधकर घर में डाल दिया और इसके बाद अपने माता पिता को अवगत कराया कि बहन को तीन व्यक्तियों ने बंधक बनाकर लूट की। पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को लूटे गए रुपए और आभूषण के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सगे भाई चांद और राज के पास से पुलिस ने 2,05,000 रुपए की नकदी व 6 तोला सोना और लगभग 1 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। कुल कीमत 6,25,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 392, 452, 328 व 411 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई करी है। नगीना कॉलोनी का एक मामला आया था कल शाम के टाइम। इसमें बताया गया कि एक घर में एक लड़की को बंधक बनाकर उसमें लूटपाट हो गई है, उसमें कैश और जेवरात वगैरह चले गए। इस विषय को हमने बड़ा गंभीरता से लिया। तत्काल हमने तीन टीमें बनाई और लोकल में पूछताछ करी, अपने मुखबिर भी मामूर किए और एसओजी वगैरह का जो सर्विलेंस सेक्शन है उसको हमने सक्रिय किया और उससे हमें जो है चीज़ें जो सामने आई वो इस तरह की थी कि घर के ही सदस्य उसमें शामिल हमें मिले और जो वादनी थी उसी के दोनों लड़के थे, उन्होंने ही इस लूटकांड को एक तरह से प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया था। और जब पूरी तफ्तीश करी तो उसमें पता लगा कि उनके घर में कल कोई था नहीं। उस दौरान जो अकेली लड़की थी उसके कोई परिचित कोई लड़का घर पे आया था। उसी दौरान उसके भाई लोग जब घर में पहुंच गए तो उनके साथ विवाद हुआ उनका, लड़का तो भाग गया लेकिन फिर इस लूट कांड को उन्होंने पूरी तरह से प्रायोजित किया। ये सारी चीज़ हमारे तफ्तीश में अब तक की जानकारी में खुलासे में आई है। हमने जितना भी उनके ज्वेलरी और पैसे थे वो सारे बरामद कर दिए हैं और दोनों लोगों को हमने हिरासत में उनके लड़कों को ले रखा है और माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।